गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यू कैन से इट इज अ चैप्टर नंबर 6 ऑफ यूनिट 1, दैट इज डिलेज। ओके, सो डिलेज ऑपरेशन, व्हाट इज डिलेज? डिलेज से आप समझते क्या हो? इससे हम बोल सकते हैं ऊपर की जो लेयर है उसका ऑपरेशन करना, ठीक है। सो इसके लिए गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, डिलेज क्या है? मैकेनिकल मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन मतलब मिलाना, ऊपर नीचे करना, किसको? सोइल को, विद टूल्स एंड इम्प्लीमेंट फॉर ऑब्टेनिंग कंडीशन आइडियल फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड को जर्मिनेशन करने के लिए एक ऐसी आइडियल कंडीशन देना जिससे जो सीड है वो ग्रो कर जाए, उसकी ग्रोथ हो जाए और क्रॉप अल्टीमेटली ग्रोथ कर जाए। सो सोइल को मैनिपुलेट करेंगे तो क्या होगा अल्टीमेटली? इसके अंदर हमें होता क्या, देखो हमारे पास ये लैंड है हमारी, हमने क्या प्लोइंग कर दी, इसकी प्लोइंग कर दी। प्लोइंग करने से क्या होगा? ऊपर की सोइल नीचे, नीचे की सोइल ऊपर, यही होगा ना। तो इससे क्या होगा, जो ऊपर एयर प्रेजेंट है वो सोइल के अंदर चली जाएगी। सो वहां पे सोइल एयर प्रेजेंट हो जाएगी, है ना। सो पोर स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, पोर स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, सोइल का टेक्सचर इंक्रीज हो जाएगा, सोइल का जर्मिनेशन इंक्रीज हो जाएगा, है ना। उससे क्या होगा, इन्फल्टेशन और फर्टिलिटी बढ़ जाएगी ना, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, प्लांट क्या कर जाएगा, ग्रोथ कर जाएगा, ठीक है। सो टिलेज को बोल सकते हो कि इट इज अ मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सोइल विद द हेल्प ऑफ टूल एंड इम्प्लीमेंट। टूल और इम्प्लीमेंट की हेल्प से जो सोइल है उसका मैनिपुलेशन करना, डेट इज टिलेज। क्लियर है अच्छे से? नेक्स्ट इज टिल्थ। टिल्थ क्या होती है? सो टिल्थ इज अ फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल। किसी सोइल की फिजिकल कंडीशन जो कि टिलेज करने के बाद ऑब्टेन होती है। जब हम किसी सोइल की टिलेज कर देते हैं, यानी कि उसकी जब प्लोइंग कर देते हैं, प्लोइंग करने पर जो उसकी कंडीशन वहां पे होगी उसे हम बोलेंगे टिल्थ। उस सोइल की उसे बोले जाएगा टिल्थ, कि उस टाइम पे उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, ठीक है। सो जो टिल्थ होती है, इट मे बी कोर्स टिल्थ और इट कैन बी फाइन टिल्थ और मॉडरेट टिल्थ। आफ्टर टिलेज इट कैन बी कोर्स टिल्थ। कोर्स टिल्थ का मतलब क्या है कि वो थोड़े मोटे पार्टिकल्स होंगे वहां पे जब हम उसको टिल्थ करेंगे, जिसको टिलेज करेंगे। नेक्स्ट फाइन की बिल्कुल फाइन भी हो सकते हैं, छोटी छोटी पार्टिकल भी हो सकते हैं, या फिर दोनों के मॉडरेट साइज के वहां पे पार्टिकल मिल सकते हैं, ठीक है। दैट इज टिल्थ। टिल्थ क्या होती है? फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल जो कि टिलेज करने के बाद मिलती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, कोर्स टिल्थ मिल जाती है, फाइन टिल्थ मिल जाती है और मॉडरेटली
टेल्थ हमें ऑप्टेन हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज, अब कोई भी चीज आती है ना उसके ऑब्जेक्टिव तो होते हैं कि हम टिलेज को करते क्यों हैं, मेन एम क्या है टिलेज को करने का। तो सबसे पहला एम है कि हम टिलेज को करते हैं फॉर द जर्मिनेशन, सीड की जर्मिनेशन अच्छी हो जाए। देखो अगर हमारी जो लैंड है हमने इसको बो दिया, इसमें सीड डाल दिए, बट हमने इसको टिलेज नहीं किया, तो क्या इस पर क्या होगा, हार्ड होगी स्ट्रक्चर, तो जो जर्मिनेशन होगी सीड क्या ऊपर नहीं आ पाएगा ना, तो सीड जब ऊपर नहीं आ पाएगा तो उसकी जर्मिनेशन तो हो जाएगी पर ऊपर नहीं आ पाएगा, अल्टीमेटली वो डाई हो जाएगा। इसलिए हमें जर्मिनेशन उसका जो हमें टिलेज करना ज़रूरी है। नंबर टू, टू क्रिएट कंडीशन टू सॉइल सुटेड फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप। देखो मैंने आपको बताया कि जब टिलेज होगी, जब हम इसको प्लो करेंगे, ठीक है, डिस्क प्लो की हेल्प से जब हमने इसको प्लो कर दिया, जब इसको प्लो करेंगे तो क्या होगा, ऊपर की सॉइल नीचे, नीचे की सॉइल ऊपर, तो उसके अंदर सॉइल और सॉइल के अंदर एयर मिक्स हो जाएगी ना, सॉइल के अंदर जब एयर मिक्स हो जाएगी तो पोर स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, पेनिट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, इन्फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाएगी, सॉइल का जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव होगा, है ना। तो अल्टीमेटली क्या करेगा ये, ग्रोथ, क्रॉप की जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करेगा, ठीक है, अच्छी ग्रोथ होगी। उसके बाद जहाँ पे वीड है, अगर वीड है तो उसको अगर टिलेज कर देंगे तो वीड वहाँ से हट जाएंगे, सो कंट्रोल करेगा किसको, वीड को, और वहाँ पे हमें केमिकल मेथड की कम एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। टू मेक द सॉइल कैपेबल फॉर अब्जॉर्बिंग मोर रेन वाटर, अगर हमने उसको भुरभुरा कर दिया, मॉइस्चर ऊपर की सॉइल नीचे, नीचे सॉइल ऊपर कर दिया है, तो वो कैपेबल हो जाएगा ज़्यादा रेन वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। सो इनकेस अगर बारिश ज़्यादा आती है तो वहाँ पे हार्ड पैन होने से बचा लेगा, अगर हमने टिलेज की होगी तो, ठीक है। नेक्स्ट, टू मिक्स अप द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यूनिफॉर्मली इन द सॉइल। फर्टिलाइजर और जो हमारे मैन्योर होते हैं उनको पूरे खेत में यूनिफॉर्मली प्रोवाइड करने के लिए, उनको मिलाने के लिए हम टिलेज करते हैं। सो नंबर वन फॉर जर्मिनेशन, नंबर टू फॉर बेटर ग्रोथ, नंबर थ्री इज फॉर कंट्रोल वीड, नंबर फोर इज सॉइल कैपेबल एब्जॉर्बिंग रेन वाटर, और फर्टिलाइजर और मैन्योर को मिक्सअप करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सेलरेट द सॉइल, सॉइल को एरेट करने के लिए, सॉइल को हम क्या करते हैं, एयर मिला देते हैं उसके अंदर, है ना, मैनिपुलेट करके, सो सॉइल को एयर प्रोवाइड कर देते हैं। टू प्रोवाइड एडिक्वेट सीड सॉइल कॉन्टैक्ट टू परमिट वाटर फ्लो टू सीड एंड सीडलिंग रूट, अगर हम क्या करेंगे उसको फ्लो कर देंगे तो उसके अंदर पोर स्पेस बढ़ जाएगा, वाटर फ्लो इजी होगा तो सीड को अवेलेबल भी इजी होगा, सीड को अवेलेबल होगा तो सीडलिंग की रूट भी अच्छी निकलेगी, सो टिलेज इसलिए भी जरूरी होता है। नेक्स्ट, टू रिमूव द हार्ड पेन, अब हार्ड पेन क्या होता है, देखो एक्सेसिव रेनफॉल से क्या होता है, जो लोअर लेयर होती है हमारे सॉइल की, वहाँ पे क्ले पार्टिकल का डिपोजिशन हो जाता है, क्ले पार्टिकल डिपोजिशन से वहाँ पे जो सॉइल हो जाती है हार्ड हो जाती है, तो रूट यहीं तक ही रह जाती है, वो नीचे नहीं जा पाती है, जिससे वो ज़्यादा न्यूट्रेंट और मॉइस्चर को या न्यूट्रेंट या फिर कुछ भी हम अप्लाई करते हैं मैन्योर वगैरह वो ले नहीं पाती है, है ना, जिससे उसकी ग्रोथ क्या होती है, इफेक्ट होती है। इसलिए अगर हम हार्ड पेन को टिलेज कर देंगे, मैंने टिलेज कर दिया तो ये हार्ड पेन इसमें टूट जाएगा, हार्ड पेन टूट जाएगा तो जिससे क्या रूट नीचे जाएगी तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, ग्रोथ इंक्रीज होगी। सो हार्ड पेन को रिमूव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, टिलेज करते हैं। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव एंड सॉइल इज डिस्टर्ब, ओपन अप एंड टर्न अप, सॉइल को ओपन करने के लिए और उसको मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, टिलेज करते हैं। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज। देन कम टू टाइप ऑफ टिलेज, अब टिलेज भी टू टाइप की होती है, टिलेज, नंबर टू इज ऑफ सीजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन सीजन टिलेज की, ठीक है। सो टिलेज ऑपरेशन दैट आर डन फॉर रेजिंग क्रॉप इन द सेम सीजन और ऑन सेट ऑफ क्रॉप सीजन, क्रॉप नोन एज ऑन सीजन टिलेज, मीन्स सेम सीजन में ही क्रॉप के अंदर हम टिलेज कर दें, टिलेज ऑपरेशन कर दें, तो वो हो जाएगा ऑन सीजन, है ना। मान ली मैंने वीट का क्रॉप की है, वीट के क्रॉप के अंदर ही मैंने टिलेज कर दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑन सीजन टिलेज, है ना। दिस मे बी प्रिपरेटरी कल्टिवेशन एंड आफ्टर कल्टिवेशन, या तो ये होगा कल्टिवेशन
करने से पहले या फिर कल्टीवेशन होने के बाद, या तो फसल काटने से पहले या फिर फसल काटने से बाद में, ये होगा ऑन सीजन टिलेज। अब ऑन सीजन के अंदर भी पहला आता है प्रिपरेटरी टिलेज। प्रिपरेटरी टिलेज क्या होता है? दिस रेफर टू टिलेज प्रिपेयर द फील्ड It consists of deep opening and loosening of soil to bring about desirable tilth as well as incorporate or uproot weeds. सिंपल सी बात है, देखो ये यहाँ पे वीड ग्रो हो गई है लैंड पे, ठीक है, सॉइल थोड़ी हार्ड हो रही है, तो मैंने क्या किया, इसको टिलेज कर दिया, इसको मैंने टिलेज कर दिया, सारी सॉइल मैंने मैनिपुलेट कर दी ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर बाय द हेल्प ऑफ डिस्क हैरो, ठीक है। जब मैंने इसको बाय द हेल्प ऑफ डिस्क हैरो इसको मैनिपुलेट किया, तो क्या होएगा, यहाँ पे जो जड़ होएगी किसकी, वीड्स की, वो अपरूट हो जाएगी, उखड़ जाएगी और मिट्टी के अंदर मिल जाएगी वो, है ना। दूसरा क्या होगा, जो एयर है वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, पोर स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, पोर स्पेस इंक्रीज हो जाएगा तो इन्फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो पेनिट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, तो वाटर की अवेलेबिलिटी मूवमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वाटर का मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, प्लांट को न्यूट्रिएंट अच्छे से मिलेंगे। प्रिपरेटरी टिलेज ये होता है, ठीक है। जब हमारी
कि जब हमारी क्रॉप नहीं है बट हमें क्रॉप के लाने से पहले हम उसके सोइल की कंडीशनर के लिए क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, उसके टिलेज करते हैं, लाइक हमने काउपी लगा दिया वहां पे, डेंचा लगा दिया है उसके ग्रीन मैन्योरिंग करने के लिए, जो हम टिलेज करेंगे उस टाइम पे सोइल के अंदर मिक्स करने के लिए, दैट इज ऑफ सीजन टिलेज। ठीक है, ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज, समर टिलेज, विंटर टिलेज और फैलो टिलेज। फैलो टिलेज मतलब कि जमीन खाली पड़ी है तब भी कर सकते हैं, हार्वेस्ट के बाद भी कर सकते हैं, समर टाइम में भी कर सकते हैं, विंटर टाइम में भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये ऑफ सीजन टिलेज हो जाएगी। सो इसका स्पेशल पर्पस क्या होता है इस टिलेज को करने के लिए, टिलेज ऑपरेशन इंटेंडेड टू सर्व स्पेशल पर्पस आर कॉल्ड टू बी स्पेशल पर्पस टिलेज। ये स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं इसलिए हम इसको बोल देते हैं स्पेशल पर्पस टिलेज। ओके, नेक्स्ट सब सोइलिंग। तो सब सोइलिंग क्या होगा, टू ब्रेक द हार्ड पैन बीनेथ द फ्लो लेयर। मैंने आपको बताया था कि हार्ड पैन क्या होगा, ये मेरे पास मेरी लैंड है, ये मेरा सरफेस मान लो लैंड का, और यहाँ तक मेरे पास फ्लो लेयर है, इसके बीनेथ में इसके नीचे क्या बन जाता है, हार्ड पैन बन जाता है, हार्ड स्ट्रक्चर बन जाती है, क्लोड्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर क्या होता है, वाटर जो नीचे नहीं जा पाता, जड़ें नीचे नहीं जा पाती हैं, जिससे क्या होगा इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, तो सब सोइलर क्या करता है, सब सोइलर यहाँ से फ्लो लेयर के नीचे तक जाता है 10 मीटर, 10 मीटर तक की लेंथ तक वो चला जाता है। ठीक है, सब सोइलर, और यहाँ पे उसके नीचे ऐसे होता है तो इसको तोड़ता जाता है और इसको एग्रीगेट्स को कन्वर्ट कर देता है, इसको तोड़ देता है और इसके एग्रीगेट्स को कन्वर्ट कर देता है। कौन, सब सोइलर। सब सोइलिंग इज एंड वन इन 4 to 5 ईयर। जरूरी होता है कि 1 से 5 साल के बीच में, 4 या 5 साल में एक बार हम इसको कर दें। वेयर हैवी मशीनरी आर यूज्ड टू फॉर फील्ड ऑपरेशन, सीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। जहाँ पे हैवी मशीनरीज होती है ना, लाइक सीडिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, तो वहाँ पे तो करना ही पड़ता है सब सोइलिंग। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज क्या है इसका, इसका एडवांटेज ये है कि जो सोयल का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, मे बी ऑब्टेन फॉर कल्टिवेशन क्रॉप, एक्सेस वाटर में परकुलेट, नीचे पानी जाएगा, बिकॉज वो अगर हार्ड पैन ही टूट जाएगा तो पानी तो नीचे जाएगा ही, रिचार्ज जो वाटर टेबल है वो रिचार्ज होगा, रन ऑफ रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज अगर पानी ऊपर रहेगा तो वो रन ऑफ भी होगा, इरोजन लेस हो जाएगा। ठीक है, क्रॉप प्लांट है उसकी जो रूट है नीचे तक पेनिट्रेट करेगी, डीपर पेनिट्रेट करेगी और वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लीन टिलेज। सो क्लीन टिलेज में क्या होता है, इट रेफर टू द वर्किंग ऑफ सोइल of the entire field in a such a way that no living plant is left disturbed. Clean tillage में क्या है कि हमारे पास हमारा जो soil है वह उसको entire field के अंदर हमें work करना है और उसमें कोई भी plant वहाँ पर left नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उसे कोई भी disturb नहीं होना चाहिए plant, but बिना plant को disturb के जो tillage किया जाता है that is clean tillage. It is practice to control weed. Weed को control करने के लिए हम इसको करते हैं, लाइक सीलर लगा देते हैं, लाइक अभी कॉटन की क्रॉप चल रही है तो कॉटन की क्रॉप में जो जैसे खरपतवार आते हैं, लाइक वीड्स आती है, तो हम क्या करते हैं उसको सीलर लगा देते हैं। उसमें सीलर क्या करता है, प्लांट को तो नुकसान नहीं करता, उसके साथ साथ से जितनी भी लैंड होती है ना उसको टिलेज कर देता है, उसको टिल्थ बना देता है, जिससे क्या होता है वहाँ पे जो कंट्रोल हो जाता है, कौन, वीड कंट्रोल हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है, उस टाइम पे जो सोइल बोर्न पेस्टोजोन और पेस्ट आते हैं वो भी वहाँ पे कंट्रोल हो जाते हैं, बिकॉज क्यों, क्योंकि वो सन के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, सन के कॉन्टेक्ट में आते वो मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लाइंड टिलेज। इट रेफर टू टिलेज देन आफ्टर सीडिंग। सीडिंग के बाद हम इसको करते हैं और प्लांटिंग द क्रॉप इन अ स्टराइल सोइल आइदर एट ए प्री एमरजेंस स्टेज ऑफ द क्रॉप प्लांट और वाइल दे आर इन अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ सो दैट क्रॉप प्लांट। देखो, जब अर्ली स्टेज होती है प्लांट की तब हम इसकी टिलेज करते हैं। ठीक है, अर्ली स्टेज आ गई उस टाइम पे अगर टिलेज कर देंगे तो उसे हम ब्लाइंड टिलेज कर देंगे, बट एक्स्ट्रा प्लांट एंड बोर्ड लीफ आर अप्रूटेड। तो इसके अंदर क्या होती है,
इसके अंदर जो मेन प्लांट है वो तो अपलोटेड नहीं होती है, बट जो एक्स्ट्रा प्लांट होंगे लाइक ब्रॉड लीफ वीड्स हो गए, अपलोटेड हो जाएंगे, ठीक है, जितने भी वीड्स होंगे वो सारे अपरूट हो जाएंगे ब्लाइंटिलिस के अंदर भी, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आने से पहले करते हैं, प्री एमरजेंस करते हैं इसका, ठीक है, क्लियर हुआ अच्छे से। लास्ट हम पढ़ेंगे आज ड्राई टीलेज। सो ड्राई टीलेज क्या होगा? ड्राई टीलेज वो प्रैक्टिस होती है जब किसी ड्राई लैंड कंडीशन में हम टीलेज करते हैं। सो अगर ड्राई लैंड कंडीशन में हम टीलेज करेंगे सीड के जर्मिनेशन की, तो उसे ड्राई टीलेज बोल देंगे। इसके लिए जो सुटेबल कोस्ट है, क्रॉप्स हैं, वो हैं राइस, जूट, वीट, ऑयल क्रॉप्स, पल्सेस, पोटैटो एंड वेजिटेबल क्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट, ड्राई टीलेज इज डन इन सोइल हैविंग सफिशियंट मॉइस्चर 21 to 23%, ठीक है। ड्राई टीलेज कहाँ होगा? जहाँ पे सफिशियंट मॉइस्चर होगा 21 to 23%, द सोइल बिकम मोर पोरस, जो सोइल पोरस हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, ड्राई टीलेज हो जाएगी, ठीक है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, एरेशन इंक्रीज हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है, और जो सोइल माइक्रोनिज्म है वो क्या हो जाएंगे? अच्छे से इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है, जो बेटर सोइल की ग्रोथ के लिए होते हैं। सो आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे वेट टिलेज और पडलिंग। सो टिल देन टेक केयर, बाय।